आज का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है कार्बन डाइसल्फाइड का। मैं बताऊंगा हर बार की तरह बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट। स्टेप वन सिंबल, कार्बन का सिंबल सी होता है, डाई का मीन्स क्या हो गया टू हो गया, सल्फाइड का होता है ऐसे प्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले में आयन का यूज नहीं हुआ है क्योंकि दोनों की जो कंडीशन है वो क्या नेगेटिव फॉर्म में है। एंड बताता हूँ आगे और प्लान बताता हूँ आयन क्या होता है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होते हैं नंबर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। नंबर होते हैं मोनो डाई ट्राई टेट्राग्राम से जानते हैं। देन कार्बन की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 होती है, एंड जो सल्फाइड की जो वैल्यू होती है 2 होती है। 2 से 4 गया तो 2 बचा, तो वैल्यू क्या है सी एस एंड 1 आया। यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पे ऐसे लिख गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सी एस 2। तो ये बन गया। अब देखिए कार्बन डाई सल्फाइड क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है क्योंकि दोनों के जो है नेगेटिव है, तो इसी वजह से क्या होता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है। आयन के बेस पे ये फॉर्मूले नहीं बनते हैं, ये बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बनते हैं। जब मैं आपको बॉन्डिंग बताऊंगा, जब इसका एक सीरीज लेकर चलूंगा, अभी तो फिलहाल चल रही केमिकल फॉर्मूले सीरीज चल रही, इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 500-600 फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। एंड अगर फॉर्मूला और भी सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों भी जरूर शेयर कीजिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल जरूर पुश कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।